कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर बयानबाजी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लगा बड़ा झटका। खड़गे के खिलाफ पंजाब के संगरूर कोर्ट ने 100 करोड़ के मानहानि केस में समन जारी कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने लोगों को अपना संदेश देते हुए कहा कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक आजादी के लिए लड़ता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन बदमाशों का गुलाम बनने से मौत बेहतर है। बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से माफी मांगने की अपील की। कहा, यह सनातन धर्म का अपमान है, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। फिल्म द केरल स्टोरी ने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को 9वें दिन पीछे छोड़ 113 करोड़ का किया कलेक्शन। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन साल 2024 में बीजेपी एक बार फिर भारी मतों से जीतते हुए सरकार बनाएगी और मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज से 2 दिन के मिश्रित दौरे पर रहेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। बिहार के पटना में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री। कहा, बिहार से ही जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2047 तक भारत के विकसित देश होने के लिए किया दावा। सप्ताह की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स 317 अंक की तेजी के साथ 62,345 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 84 अंक की उछाल के साथ 18,398 पर रुका।